2400 करोड़ रुपए कमाए दंगल ने, और दंगल ने 1400 करोड़ रुपए सिर्फ चाइना से कमाए। लेकिन कैसे, और आमिर खान चाइना में इतना फेमस क्यों? ध्यान से सुनो। देखो, आमिर खान जो चाइना में बहुत सालों से फेमस है और उनको वहां पे सुपरस्टार माना जाता है। इस चीज की शुरुआत होती है 2001 से जब आई थी लगान मूवी, लेकिन 2003 में उसको रिलीज किया गया चाइना में, और ये इंडिया की ऐसी पहली फिल्म है जो कि चाइना में रिलीज हुई। लगान के आने के बाद इसको 2 साल बाद रिलीज किया गया, यानी 2003 में। और फिर आई लेजेंडरी फिल्म 2009 में जिसका नाम था 3 इडियट्स। ने पूरा गेम ही पलट के रख दिया, क्योंकि चाइना में भी 3 इडियट को देख के लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर महसूस करते थे, और उस फिल्म से वहां के लोग भी और वहां के स्टूडेंट भी उस चीज से कनेक्ट हो गए थे। उसके वजह से उस समय उसने कमाए थे 103 करोड़ रुपए सिर्फ चाइना में। और फिर आई गेम चेंजर दंगल मूवी, जो कि चाइना में ताबड़तोड़ कमाई की 1400 करोड़ रुपए का। तो दंगल ने पैसे कमाए हैं, लेकिन उसका उतना नाम नहीं होता है जितना कि बाहुबली 2 का होता है, क्योंकि जो बाहुबली है पूरे दुनिया से पैसे कमाई है, और जो कि 2000 करोड़ रुपए। लेकिन दंगल पूरे दुनिया से ज्यादा पैसे नहीं कमाए, सिर्फ उसने चाइना से 70-80% का कमाई किया था। और फिर आई आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि सिर्फ 15 करोड़ में बनी थी, और उसने कमाई की पूरे लगभग 1000 करोड़ का, और सिर्फ चाइना में उसने 600 से 700 करोड़ रुपए कमाए थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से आमिर खान को वहां पे एक लेजेंडरी सुपरस्टार माना जाता है। तो क्या शाहरुख खान को वहां नहीं माना जाता है? देखो, शाहरुख खान को पूरी दुनिया माना जाता है। देखो, आप शाहरुख खान को किसी भी एक्टर से, पूरी दुनिया के एक्टर भी ले लोगे ना, तो शाहरुख खान इतना स्टारडम किसी के पास नहीं होगा। तो इसलिए कंपेयरिंग गलत है भाई शाहरुख खान से। और आप व्यूअर्स, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ही फिल्मों से रिलेटेड ज्ञान की बातों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार, मैं कितना रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब तो करो। और मिलते हैं एक अगले मजेदार वीडियो। मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक अगले मजेदार वीडियो में, ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब।